तब गार्डनर आगे कहता है, और अब मेरा गार्डन मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस बन चुका है पूरे यूनिवर्स में। जिस पर थैनोस जवाब देता है, हाँ इसमें कोई शक तो नहीं है। तब गार्डनर उससे कहता है, क्यों ना हम बैठकर इस हरियाली का मजा ले। तब दोनों आमने सामने के बेंच पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पर थैनोस कहता है, तुम जानते ही होगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब गार्डनर जवाब देता है, हाँ तुम मेरे सोलस्टोन के लिए आए हो। तब थैनोस आगे कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत है मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए। जिस पर गार्डनर उससे कहता है, और वो ड्रीम्स मेरे गार्डन से इम्पोर्टेंट है। थैनोस तब कहता है, हाँ मेरा गोल सबसे ऊपर है, डेथ के लिए लव कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तब गार्डनर उसे कहता है, तुम रियलाइज कर चुके होगे कि मैं ये जेम बिना फाइट किए नहीं दूंगा। जिस पर थैनोस कहता है, मैं विश कर रहा था कि तुम इसके बारे में दोबारा सोच लो, क्योंकि तुम अब ये रियलाइज कर चुके होगे कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तब गार्डनर उसे कहता है, हाँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऑलरेडी दो जेम्स पोजेस कर लिए हैं, और इस वजह से तुम एक अनबीटेबल दुश्मन बन चुके हो मेरे लिए, लेकिन मैं अपने टीम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तब थैनोस कहता है, मैं तुम्हें हार्म करने की नहीं सोच रहा था गार्डनर। जिस पर गार्डनर जवाब देता है, ना ही मैं, लेकिन हम दोनों के ड्रीम्स में काफ़ी फासला है। जिस पर थैनोस कहता है, हाँ ये काफ़ी अफसोस की बात है। तब गार्डनर थैनोस पर हमला करता है अपने गार्डन्स के बेलों के साथ, जिसे आज़ाद होकर थैनोस कहता है, बेचारा गार्डनर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माथे पर क्या है, ये इन्फिनिटी जेम्स रिकॉर्डेड टाइम से भी पहले के है, और मुझे लगता है कि ये कॉर्नरस्टोन से सारी रियलिटीज़ के। थैनोस आगे कह रहा था, इसके साथ हम एक्चुअलिटी के सारे फैक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं। वॉरलॉक का जेम किसी भी सेंटेंट की सोल को कंट्रोल करने के लिए बना है। चैंपियन का ज्वेल उन सारे जेम्स को बैकअप देता है इन्फाइनाइट पावर के साथ, और ये फाउंडेशन है गैलेक्टिक डायनेस्टी का, और तुम्हारा जेम मुझे गिफ्ट देगा टाइम का। तब टाइम जेम को अपने हाथ में लेकर थैनोस कहता है, तुम्हें नहीं पता कि इस ज्वेल की सीक्रेट प्रॉपर्टीज क्या है, इसके साथ हम टाइम स्ट्रीमिंग स्टॉप कर सकते हैं, उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसे जैसे बच्चे सैंड कैसल बनाते हैं, और तुम्हारे सबकॉन्शियस के वजह से ही ये जेम पोटेंशियली काम कर रहा था। इसी के साथ तुमने अपना वंडरस गार्डन क्रिएट किया था, और इसी के साथ तुम्हारे प्लांट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि तुम उनकी ग्रोथ साइकिल से भी ज़्यादा तेज उन्हें बढ़ा रहे थे इस ज्वेल की मदद से, और वो इसलिए हमेशा खिले रहे थे क्योंकि तुमने वो मोमेंट फ्रीज कर दिया था जहाँ पर वो मुरझा जाए। ये बॉटनिकल स्प्लेंडर पहले कभी अचीव नहीं किया गया था। और वो आगे कहता है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि बिना इस जेम की मदद लिए ये अब ज़्यादा देर तक खिले नहीं रहेंगे, और तब हम देखते हैं वो सारे प्लांट्स मुरझा जाते हैं। तब थैनोस आगे कहता है, और इसके लिए मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है तुम समझ पाओगे अगर तुम मेरी बात सुन सके। और तब हम देखते हैं गार्डनर की डेड बॉडी को उन्हीं बेलों के साथ लिपटे हुए। तब थैनोस कहता है, मैंने जेम ऑफ पावर यूज किया तुम्हारे ज्वेल की प्लांटिंग ग्रोथ उस लेवल तक बढ़ाने के लिए जिस लेवल तक तुम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते, वो लेवल्स जो तुम्हारे कंट्रोल से परे थी। ये करते वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लगा कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट गिफ्ट तुम्हारे ही तबाही का हथियार बने। तब थैनोस अपने फ्लाइंग क्राफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये किस्मत मेरे सीने पर हमेशा बोझ बनकर रहेगी। मैंने तुम्हें मौका दिया, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था मेरे साथ लड़ने के लिए, मैंने तुम्हें चांस दिया जेम सरेंडर करने का, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया वो करने के लिए जो मैं करता हूँ, और मैं अपने नेचर के साथ ईमानदार हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं थैनोस जो ठहरा